तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग हाइड्रा टूल, ठीक है, डिक्शनरी अटैक मेथड को अप्लाई करते हुए। पासवर्ड हैकिंग का अलग अलग मेथड है, जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन नोट्स भी दिया था और थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि ब्रूट फोर्स मेथड होता है, डिक्शनरी अटैक होता है, रेनबो टेबल अटैक होता है, फिशिंग अटैक होता है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ पासवर्ड हैकिंग। सो वन ऑफ द मेथड इज द डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक मीन्स व्हाट? डिक्शनरी, पहले से ही एक डिक्शनरी बना हुआ है, वर्ड नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड का पहले से ही क्या रहेगा तुम्हारे पास, एक लिस्ट रहेगा, एक डिक्शनरी रहेगा, एंड यूजिंग दोज डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी को यूज करते हुए किसी तुम मेलिशियस यूजर या हैकर क्या कर सकता है, उस डिक्शनरी के थ्रू किसी वेबसाइट को हैक कर सकता है, मतलब किसी वेबसाइट का लॉगिन सेशन को क्या कर सकता है, वो हैक कर सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे, और इसके लिए हम लोग जो टूल यूज करेंगे हाइड्रा टूल। तो हाइड्रा टूल के मदद से हम लोग यूजिंग द डिक्शनरी अटैक मेथड विल सी हाउ टू हैक योर वेबसाइट्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे हम लोग जो भी करेंगे वो अपना ही वेबसाइट में करेंगे, किसी थर्ड पार्टी में नहीं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए इस लैब को दिखाने के लिए, तो सबसे पहले इस लैब को सेटअप करने के लिए, मतलब हम लोग क्या करेंगे अपना ही किसी वेबसाइट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक साइट है, मैं तुमको दिखा दूँ कौन सा साइट है, उसी साइट के ऊपर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो साइट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जिस साइट का लॉगिन क्रेडेंशियल हम लोग यहाँ पे हैक करके देखेंगे यूजिंग हाइड्रा टूल, और वो हो गया ये वाला साइट, ठीक है। ये जो हम लोग जिसके ऊपर लास्ट टाइम जो तुम लोग अभी थोड़ा देर पहले क्लास किया ना, वो वेबसाइट का, ठीक है, उसी वेबसाइट का, ठीक है, ये वाला साइट होगा इस वेबसाइट का। ये तो हम लोगों ने अब जस्ट एक डेमो वेबसाइट बनाया है जस्ट देखने के लिए, तो हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग में हम लोगों ने किया ही है इसके बारे में। तो इसी साइट का जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, तो इसमें अगर मैं लॉगिन में जाऊं, इसमें अगर मैं लॉगिन टाइप करूं, तो इसमें इसका जो एडमिन पैनल का जो लॉगिन है, तो इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इसका हमको जाना पड़ेगा डैशबोर्ड का कि वर्डप्रेस का लॉगिन पैनल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो ये वेबसाइट क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो इसका यूजर नेम पासवर्ड मैं तुमको पहले ही दिखा दूं, यूजर नेम इसका हो गया एडमिन और पासवर्ड इसका हो गया 1 2 3 4 5, ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। और इसमें अगर लॉगिन करूं तो इस वेबसाइट का हम लोग डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट का जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो एडमिन एंड यूजर नेम हो गया एडमिन, पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया बात। और हम लोग इसी वेबसाइट का लॉगिन क्रेडेंशियल को हैक करेंगे यूजिंग हाइड्रा टूल यूजिंग द डिक्शनरी मेथड, क्लियर। तो प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, उसको समझेंगे हम लोग। और सबसे पहला काम तो ये हो गया, पहले हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। एंड सेकेंड बात हो गया, यहाँ पे मैं अगर ये आईपी एड्रेस लिखूँ 172.16.0.1 और स्लैश माई डेटा, तो सेम होगा, ठीक है। तो ये उसी वेबसाइट का ये आईपी, मैं देखा रहा हूँ तुमको, यहाँ पे देखो उसी आईपी एड्रेस पे यही वेबसाइट ओपन हो रहा है। मैंने क्या टाइप किया था, 172.16.0.1/my data, मतलब अभी जिस वेबसाइट का मैं बात कर रहा हूँ उस वेबसाइट का एड्रेस क्या है, ये है, ठीक है। इसको मैं एंटर प्रेस करूँ तो देखो यही वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो मैं तो जिस वेबसाइट जो ये वेबसाइट इसी सिस्टम में, तो मैं यहीं से ओपन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको काली लिनक्स सिस्टम से ओपन करूँ तो तुमको वो भी दिखा दूँ मैं, ये मेरा काली लिनक्स सिस्टम हो गया, और यहाँ पे आके मैं इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको भैया ये मोजिला फायरफॉक्स के मैं ओपन करके दिखाता हूँ तुम लोग एक बार, इसको क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा ये हो गया, क्या टाइप करेंगे हम लोग, 172.16.0.1/my data, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, तो देखो ये वही वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। अच्छा ये जस्ट वेट है, साइट तो मेरा वही https लिखा हुआ आ गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इसको लिखेंगे, देखो तो ये इसी वेबसाइट को मैं अभी यहाँ पे यूजिंग काली लिनक्स सिस्टम में ओपन कर रहा हूँ। कौन सा वेबसाइट, यही वाला वेबसाइट सॉरी इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ।
और यहाँ पे 127 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसी सिस्टम का वेब इसी ये वेबसाइट इसी सिस्टम में, इसीलिए उसको लूपबैक आईपीसी वो रिप्लेस कर रहा है। बात देखिए, लेकिन इसका आईपी क्या है, 172.16.0.1 है, ठीक है। अगर मैं दूसरा सिस्टम से ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पे 172.16.0.1 देना होगा। मैं इसका आईपी बोल रहा हूँ जिसका ये विंडोज का आईपी है, और एंटर प्रेस करूँ तो देखो ये वेबसाइट ओपन हो रहा है। अच्छा, ये वेबसाइट यहाँ पे क्लियरली विजिबल, मतलब फुल्ली लोड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो माय वेबसाइट जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, होम अबाउट, ब्लॉग कॉन्टेक्ट, माय पेज, मेनू है, मतलब यही वेबसाइट है, यहाँ पे फुल्ली लोड नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग जस्ट लॉगिन क्रेडेंशियल को हैक करना है बस। तो वही है, देखो माय वेबसाइट जस्ट अनदर वेबसाइट, ये सब होम अबाउट, ब्लॉग कॉन्टेक्ट, माय पेज, मतलब ये वही वेबसाइट है, यहाँ पे फुल्ली लोड नहीं हो रहा है, लेकिन वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हुआ। तो ये हमने क्या किया, अभी ये कौन सा सिस्टम है मेरा, ये काली लिनक्स सिस्टम है, और समझ लो ये मेलिशियस जो यूजर है, जो हैकर है, इस काली लिनक्स के मदद से ये काम करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो पहला ये हमने अपना लैब बना लिया, सबसे पहले हमारा एक वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट का लॉगिन क्रेडेंशियल को हैक करना है। मेरा वेबसाइट चल रहा है कौन सा सिस्टम में, विंडोज सिस्टम में चल रहा है, और विंडोज सिस्टम का आईपी क्या है, 172.16.0.1, और ये मैं काली लिनक्स से उस विंडोज सिस्टम का वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ। अभी हमारा मोटिव क्या है, इस वेबसाइट का जो लॉगिन सेशन है, लॉगिन क्रेडेंशियल, उसको क्या करना है, हैक करना है, ठीक है। और मैं लॉगिन को मैंने तुमको पहले थोड़ा देर पहले दिखा दिया, डायरेक्ट यहाँ पे विंडोज में आके, यहाँ पे अगर लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग लॉगिन में जाएंगे तो इसका जो ये एडमिन एंड ये जो पासवर्ड है, ये काली लिनक्स सिस्टम में यूजिंग हाइड्रा, इस यूजर नेम पासवर्ड को कैसे हैक किया जाता है यूजिंग हाइड्रा, वही देखेंगे हम लोग। अच्छा, अगला स्टेप में चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे, इसका फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टर्मिनल को ओपन कर लो काली लिनक्स सिस्टम में, और यहाँ पे हम लोग हाइड्रा कमांड यूज करेंगे। अभी हाइड्रा कमांड के साथ हमको बहुत सारा ऑप्शंस यूज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एज ए रूट यूजर लॉगिन होना होगा, तो वी आर ऑलरेडी इन यूजिंग रूट यूजर, रूट लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब हम लोग रूट यूजर में है ऑलरेडी, क्योंकि इस टूल को चलाने के लिए तुमको रूट यूजर में लॉगिन होना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात, क्या करने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज करने वाले, कौन सा टूल और कौन सा सिस्टम से करने वाले हैं, और क्या हैक करने वाले हैं, ये हम लोग का क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोग हाइड्रा टूल को यूज करना समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है क्या, हाइड्रा। मैं मतलब ये टाइम सेव करने के लिए मैंने कमांड को पहले ही लिख के रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ये कमांड लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ इस कमांड में मैंने क्या क्या लिखा है, वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। हाइड्रा लिखना है सबसे पहले, ये हो गया तुम्हारा कमांड, टूल का नेम हो गया ये। उसके बाद माइनस कैपिटल एल, ठीक है। माइनस कैपिटल एल में हमको क्या लिखना है, क्योंकि ये एक तरह से डिक्शनरी अटैक होगा ना, तो इसमें क्या चाहिए हम लोग को, एक यूजर नेम का एक लिस्ट चाहिए, एक वर्ड लिस्ट चाहिए, और एक पासवर्ड का एक लिस्ट चाहिए, एक वर्ड लिस्ट चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी से पहले से ही ये दोनों वर्ड लिस्ट मैंने क्रिएट करके रखा है, तुम अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग क्रांच टूल, या तो तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, या तो काली लिनक्स सिस्टम में अलग अलग तरह का वर्ड लिस्ट आता है, जो तुमने लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अपना डेस्कटॉप में दो वर्ड लिस्ट पहले से ही बना के रखा है, एक यूजर डॉट टी एक्स टी नाम से, एक पास डॉट टी एक्स टी नाम से, ठीक है। यूजर डॉट टी एक्स टी फाइल में यूजर नेम का एंड यूजर नेम का लिस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड का लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा अभी तो मैंने ये शॉर्ट सा एक छोटा सा लिस्ट बनाया है, लेकिन इन रियल में तुमको बड़ा सा लिस्ट यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ पासवर्ड्स होगा और यूजर नेम्स होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको छोटा बना लिया फाइल को। एंड खैर, क्लियर हो गया बात, और अगला स्टेप में चलते हैं अभी हम लोग। तो पहला काम क्या हो गया, हाइड्रा लिखना है, उसके बाद माइनस कैपिटल एल, उसके बाद यूजर लिस्ट तुम्हारा कहाँ पे है। तो मेरा जो यूजर लिस्ट है वो कहाँ पे है, मेरा डेस्कटॉप पे है ना, मेरा यूजर लिस्ट कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। तो मैंने उसका पूरा फुल पाथ दे दिया यहाँ पे, /home/kali-desktop-user.txt, ये इसका नाम हो रहा है। तो मैंने अपना यूजर लिस्ट का पूरा पाथ दे दिया, मतलब हाइड्रा टूल जो है यहाँ पे जितना भी यूजर नेम है, उन सभी यूजर नेम को यूज करते हुए उस लॉगिन क्रेडेंशियल को हैक करने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। अगला क्या है नेक्स्ट तुम्हारा, माइनस कैपिटल पी। तो यहाँ पे हमको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन क्रेडेंशियल में यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा ना, दोनों ही चाहिए। तो ये जो फाइल है home-kali-desktop-pass.txt, इसमें पासवर्ड्स रखा हुआ है, इसमें तुम्हारा मैंने बहुत सारा पासवर्ड मैंने यहाँ पे पहले से ही एंट्री करके रखा है, ठीक है। या तो मैंने ये तुम इसको क्रांच भी बना सकते हो। तो मेरे पास तुम्हारे पास दो लिस्ट चाहिए होगा, एक तो यूजर लिस्ट, एक होगा पासवर्ड लिस्ट, जिसको तुम खुद भी क्रिएट कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें बहुत सारा यूजर वर्ड लिस्ट ये सब मिल जाता है, 14 मिलियन पासवर्ड के जैसा यहाँ पे उतना पासवर्ड तुमको मिल जाएगा, ठीक है, एक ही फाइल में। तो उसमें तुम उसको कर सकते हो, लेकिन उस समय टाइम लगता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बना लिया अभी,
ठीक है, दिखाने के लिए। तो माइनस एल में यूजर लिस्ट, माइनस पी में पासवर्ड लिस्ट, ठीक हो गया बात। उसके बाद माइनस यू का मतलब हो गया कि इसको बोला गया है हाइड्रा को, इस यूजर लिस्ट में जितना भी यूजर से उन सभी यूजर नेम को एक एक करके ट्राई करें, कि मेरा यूजर लिस्ट में अभी मेरा जो ये यूजर जो टीएक्सटी फाइल है इसमें ऑलमोस्ट हजारों यूजर नेम्स है, ठीक है, हजारों यूजर नेम से। तो मैं बोल रहा हूँ कि उन सभी यूजर नेम से ट्राई करें, ठीक, एक यूजर नेम से ट्राई करने से नहीं होगा, सभी से ट्राई करें। नेक्स्ट ऑप्शन माइनस एफ, ठीक है, माइनस एफ का मतलब ये हो गया कि समझ लो अगर मैच हो जाए, अगर मैच हो जाए, अगर वो तुम्हारा यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच हो जाए तो उसके बाद और फर्दर उसको कंटिन्यू नहीं करना है, वहीं पे क्लोज कर देना है, मतलब और फर्दर यूजर नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशन वहां पे ट्राई नहीं करना है, वहीं पे क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा वेबसाइट, वो जिस वेबसाइट को हम भी, जिस वेबसाइट का लॉगिन क्रेडेंशियल मुझे वहां पे हैक करना है उसका एड्रेस, उसका क्या एड्रेस, तो उसका एड्रेस तो यही है ना 172.16.0.1, क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने तुमको थोड़ा देर पहले यहाँ पे काली लिनक्स सिस्टम के थ्रू उस वेबसाइट को ओपन करके दिखाया था, यही उसका एड्रेस 172.16.0.1। और ये कौन सा वेबसाइट है, यही वेबसाइट है, यहाँ पे क्लियरली लोड नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर तुम्हारा ये वेबसाइट हमारा यहाँ पे लोड हो रहा है जो कि ये वाला वेबसाइट है, दिस वन, ये वाला वेबसाइट, ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया बात। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है चाहते हैं उसमें हम लोग, तो ये हो गया उस वेबसाइट का, वो वेबसाइट जहाँ पे उसका आईपी एड्रेस, उसका एड्रेस। नेक्स्ट वो जो है, वो जो साइट चल रहा है वो कौन सा पोर्ट में चल रहा है, माइनस एस मतलब उसका पोर्ट, तो नॉर्मली ये पोर्ट नंबर वेब तुम्हारा जो होता है वेब सर्विस पोर्ट नंबर 80 में चलता है, ठीक है, तो माइनस एस मैंने क्या रखा उसका 80, हो सकता है कि दूसरा पोर्ट भी हो, उसके लिए तुमको, अगर तुमको पोर्ट पता नहीं है तो तुम पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो, वो अलग चैप्टर है, फिलहाल ये पोर्ट नंबर 80 में चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई तुम्हारा एक वेबसाइट या तो कोई भी हो अलग पोर्ट में भी चल सकता हो, वो डिपेंड करता है किसी का, सबका अपना अपना पॉलिसी के ऊपर, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 को मैंने मेंशन किया है, ठीक हो गया बात। उसके बाद ये मॉड्यूल, ठीक है, ये अभी तुम लोगों को शायद मॉड्यूल समझ में ना भी आए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्योंकि मैं यहाँ पे क्यों हाइड्रा को मैं यहाँ पे ये ग्राफिक कमांड मोड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने पहले तुमको बोला ग्राफिकली हर चीज़ों को डिटेल में दिया नहीं जाता है और उससे कभी कभी काम होता भी नहीं है, लेकिन जो कमांड से होता है ना थोड़ा डीपली होता है चीज़ें, ठीक है, और इसमें सभी चीज़ें मेंशन किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा HTTP पोस्ट फॉर्म, नॉर्मली क्या होता है जो लॉगिन फॉर्म होता है, और लॉगिन फॉर्म में जब भी हम लोग कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल डालते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तो वो एक तरह का पोस्ट फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, अभी जो लोग यहाँ पे जिन लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट का काम किया होगा तो अगर बाद में करोगे किसी को तो पता चलेगा कि अभी फिलहाल इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, समय लग जाएगा यहाँ पे, तो वो एक तरह का लॉगिन फॉर्म नॉर्मली क्या होता है, पोस्ट फॉर्म होता है वो एक तरह का, ठीक है, उसको बोलते हैं पोस्ट फॉर्म, HTTP पोस्ट फॉर्म, मतलब यूजर नेम में अगर इजीली समझाऊं, अगर वहाँ पे यूजर नेम, अगर समझ लो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग जो लॉगिन में जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा, डालने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा, तो एक तरह से ये क्या होगा, ये पोस्ट होगा, ये डिटेल्स कहाँ पे होगा, ये पोस्ट होगा, सर्वर में जाएगा, उसको बोलते हैं पोस्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरह का ये फॉर्म है। मतलब यहाँ पे हाइड्रा को ये बोला जा रहा है, सिर्फ आईपी बोलने से नहीं होगा, उस आईपी का क्या, वो फॉर्म, पोस्ट फॉर्म वाला मॉड्यूल को तुमको क्या करना है, उसमें तुमको ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है। अभी अभी बाकी है, और अभी जैसे तुम लोग थोड़ा देर पहले मैंने समझाया था वेबसाइट डिजाइनिंग क्लास में, एक वेबसाइट का तो बहुत सारा पेज होता है ना, एक वेबसाइट का होता है बहुत सारा पेज, तो 172.16.0.1 बोलने से कौन सा पेज है, अभी यहाँ पे तुमको दिखा दूं मैं, अभी अगर 172.16.0.1 में जाएंगे तो पेज तो ये ओपन होगा ना, ये वाला होम पेज ओपन हो रहा है, तो होम पेज में तो कोई लॉगिन सेशन नहीं है ना, कोई यूजर नेम पासवर्ड का यहाँ पे आ रहा है क्या ऑप्शन, तो हाइड्रा होम पेज में जाके क्या करेगा, यहाँ पे तो कोई लॉगिन का सेशन ही नहीं है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है, हमको जाना है इस वेबसाइट का कौन सा पेज में जो कि लॉगिन वाला पेज है, और लॉगिन वाला पेज कौन सा होगा, मैं यहाँ पे तुमको दिखा दूँ, ये हो गया इसका लॉगिन पेज, ये वाला, ठीक है, wp-login.php, इसी वेबसाइट का wp-login.php वाला पेज, यही तो लॉगिन पेज है ना, इस पेज में हाइड्रा को जाकर ट्राई करना है, बाकी पेज में नहीं। तो मैंने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया इसमें कि कौन सा पेज में जाना है, /wp-login.php, इस पेज में जाके ट्राई करो, उस वेबसाइट का इस पेज में जाके ट्राई करो, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे और एक चीज आ रहा है, यूजर नेम, ये अभी थोड़ा मैं आज तो मैं पूरा फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बाद में एक दिन कर दूंगा, व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द बर्फ स्वीट टूल,
यहाँ पे एक टूल है बार्फ स्वीप टूल, और बार्फ स्वीप टूल के मदद से मैंने ये वाला उठा लिया, ये वाला मैंने रिट्रीव किया है, मैं बाद में समझाऊंगा। बस इतना सा जान लो, इतना सा जान लो कि जब हम लोग किसी इस तरह से लॉगिन पेज में जब यूजर क्रेडेंशियल डाल के उसको सबमिट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो होता क्या है, एक रिक्वेस्ट जाता है यहाँ से, एक क्लाइंट पीछे से क्या जाएगा, एक रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट में इस तरह का कुछ तुम्हारा सिंपली अगर मैं बोलूं इस तरह का कुछ टेक्स्ट जाएगा। किस तरह का टेक्स्ट, इस तरह का जब रिक्वेस्ट जाएगा कि क्लाइंट पे क्लाइंट सिस्टम में यूजर ने क्या डाला, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, और वही यूजर नेम पासवर्ड एज ए रिक्वेस्ट सर्वर तक जाएगा ना वेरीफाई करने के लिए, तो कैसे जाएगा, जाएगा ऐसे समझ लो, इस तरह से जाएगा, यूजर नेम इक्वल टू जो यूजर, यूजर नेम जो यूजर ने डाला यहाँ पे आएगा और रिप्लेस होगा, एंड पासवर्ड इक्वल टू जो पासवर्ड किसने डाला, यूजर ने डाला। तो ये वाला रिक्वेस्ट जाएगा, ये रिक्वेस्ट स्ट्रिंग कहां तक जाएगा, सर्वर तक जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैंने यहां पे क्यों लिखा, हाइड्रा टूल को अभी बोला जा रहा है कि तुम जब रिक्वेस्ट सेंड करोगे उस लॉगिन पेज में जाके, जब रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो उसका यूजर नेम वाला सेक्शन पे वो यूजर लिस्ट से उठा के यूजर यहां पे रखो, और पासवर्ड लिस्ट से उठा के पासवर्ड यहां पे रखो, और इस तरह से ट्राई करते रहो। क्लियर बात, जब तुम रिक्वेस्ट सेंड करोगे उस लॉगिन को, उस लॉगिन सेशन को क्रैक करने के लिए, उस इस पेज का जो रिक्वेस्ट जाएगा, उस रिक्वेस्ट में जो यूजर नेम वाला स्ट्रिंग होगा वहां पे यूजर नेम तुम यूजर लिस्ट से यूजर उठा के यहाँ पे रखो, और पासवर्ड वाला लिस्ट से एक पासवर्ड उठा के यहाँ पे रखो। क्लियर बात, एक इस तरह से वो बार बार ट्राई करेगा, तो मैं जैसे एक बार समझा रहा हूँ, तो ये इस तरह से हमको लिखना पड़ रहा है यहाँ पे अभी, क्योंकि हाइड्रा टूल को तुमको पूरा फुल्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो क्या करेगा, अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। अगला स्टेप क्या है, फिर कॉलन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलन से सेपरेट कर रहे हैं, तो मैं अगला है, मैंने यहाँ पे कॉलन से सेपरेट कर दिया। फिर मैंने बोला एफ, एफ मतलब फेल्यूर। अच्छा अभी एक बात है, अभी एज ए ह्यूमन बींग मुझे तो पता है कि अगर यहाँ पे लॉग इन सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा, अगर लॉग इन सक्सेसफुल हुआ तो जैसे मैंने 1 2 3 4 5 दिया यहाँ पे, ठीक है मैंने दिया और लॉग इन किया, तो लॉग इन सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा, एक दूसरा पेज ओपन होगा, तो मुझे तो पता है। अभी हाइड्रा टूल को पता कैसे चले कि उसने जो यूजर नेम पासवर्ड से ट्राई कर रहा है वो पासवर्ड सही है कि गलत है, तो उसको तो पता चलना पड़ेगा कि नहीं वो पासवर्ड सही है कि गलत है, वो पता कैसे चले उसको। तो हाइड्रा टूल को ये बोला जा रहा है अगर लॉगिन फेल, समझ लो और एक बात मैं बोल दूँ, और अगर मैंने गलत दे दिया, समझ लो मैंने कुछ गलत डाल दिया, मैंने 1 2 3 4 दे दिया, पासवर्ड गलत दे दिया और लॉगिन कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, घूम फिर के इसी लॉगिन पेज में आएगा ना, मैंने ट्राई किया गलत यूजर नेम पासवर्ड ट्राई किया, इसी लॉगिन पेज में रह गया, फिर ट्राई करो इसी, जब तक मैं सही यूजर नेम पासवर्ड नहीं दूंगा तो क्या होगा, यहीं पे रहेगा लॉगिन पेज पे रहेगा। तो फेल्यूर पे कहां पे रहेगा, लॉगिन पेज पे ही रहेगा, कहां पे, लॉगिन पेज पे रहेगा। और अगर सक्सेस हो गया, यूजर नेम पासवर्ड सही हो गया, तो कोई दूसरा पेज ओपन होगा, जो भी पेज ओपन हो कोई दूसरा पेज ओपन होगा। अभी हाइड्रा टूल को बोलना है कि तुमको पता कैसे चलेगा कि ये लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड तुमने जो ट्राई किया वो अभी सही है कि गलत है, ठीक है। तो हाइड्रा टूल को हमने बोल दिया कि फेल्यूर जब होगा तो घूम फिर के वो लॉगिन पेज ही आएगा। अच्छा यहाँ पे लॉगिन फॉर्म लिखा होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमको मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉगिन फॉर्म, FORM, मैं समझा रहा हूँ। तो हाइड्रा टूल को ये बोला जा रहा है कि फॉर्म नेम, ये क्या है, ये एक फॉर्म है, ये क्या है, ये एक फॉर्म है, ठीक है। और ये बोला गया कि जब अगर गलत हुआ फेल्यूर पे क्या होगा, इसी पेज पे लौट के आएगा, अगर तुम ट्राई करोगे अगर फेल हो गया तो फिर से वही पेज आएगा, कौन सा पेज, लॉगिन फॉर्म वाला पेज आएगा। तो अगर हाइड्रा टूल देखेगा ट्राई करके, अगर लॉगिन फॉर्म वाला पेज ना मिला तो उसको समझ में आएगा कि ये सही है, ये यूजर नेम पासवर्ड सही है, सक्सेस हो गया, वो दिखा देगा तुमको यूजर नेम पासवर्ड, पॉसिबल यूजर नेम पासवर्ड फाउंड। क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा ये लॉगिन, मैं इसको थोड़ा समझा दूं, मैं तुमको यहाँ पे ये लॉगिन फॉर्म मैंने कहाँ से उठाया है, एक्चुअली एक फॉर्म होता है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो अगर इस पेज को हम लोग इंस्पेक्ट करें, अगर इस पेज को हम लोग क्या करें, इंस्पेक्ट करें, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं अगर इंस्पेक्ट ऑप्शन में चला जाऊं तो इसका थोड़ा कोडिंग का हमको मतलब बैकग्राउंड में क्या कोड यूज हो रहा है, कौन सा सेक्शन पे एक पेज का कौन सा सेक्शन में क्या कोड यूज हो रहा है वो पता चलता है हम लोग को, ठीक है। तो अगर ये देखो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया ना, मैंने कहाँ पे, यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक्चुअली ये क्या है, एक फॉर्म है। अभी जिन लोगों ने वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपमेंट का क्लास किया होगा उनको पता होगा फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूं मैं, इंस्पेक्ट करने के बाद इस फॉर्म का नाम क्या है, इस फॉर्म का नाम देखो यहाँ पे शो कर रहा है, देखो फॉर्म नेम क्या है, लॉग इन फॉर्म, इस फॉर्म का नेम क्या है, लॉग इन फॉर्म, ये देखो छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा कर दिखाता हूँ यहाँ पे, ये फॉर्म का नेम क्या दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ गया ये, ये थोड़ा इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, मैं थोड़ा नीचे आ गया, ये वाला दिस वन, कैन यू सी फॉर्म नेम क्या है, इसी को मैंने वहां पे टाइप कर दिया, इसी को मैंने उठा के कि फॉर्म नेम इक्वल टू लॉग इन फॉर्म, जो मैंने यहां पे टाइप किया अभी, कि ये बोला गया अगर फेल्यूर हुआ तो वही लॉग इन फॉर्म घूम बार बार आएगा, अगर फेल्यूर हुआ तो वही लॉग इन फॉर्म बार बार आएगा, और अगर सक्सेस हुआ तो लॉग इन फॉर्म नहीं आएगा, दूसरा कोई पेज आएगा, क्लियर हो गया। तो हाइड्रा को बोल दिया गया कि अगर ये फेल्यूर हुआ तो वही लॉग इन फॉर्म बार बार आएगा, सो दिस इज द टोटल कमांड, क्लियर बात। तो मैंने कमांड को पहले लिख लिया टाइम सेव करने के लिए, बस एक्सप्लेन तो कर दिया, समझ में आ चुका है। तो अभी फाइनली क्या करना है हमको, इस कमांड को लॉन्च करना है, और ये वाला जो पार्ट मैंने निकाला है ये मैंने बर्ब स्विच से थ्रू निकाला, अभी मैं समझाऊंगा नहीं, बाद में समझाऊंगा कैसे निकालना पड़ता है इसको, ठीक है। तो अगर इसको समझाना चाहूँ थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो ओवरऑल तो बात समझ में आ रहा है ना। तो हाइड्रा टूल के थ्रू हमको क्या करना है, सबसे पहले यूजर लिस्ट उसको देना पड़ेगा, पासवर्ड लिस्ट देना पड़ेगा, माइनस यू मतलब ट्राई ऑल द यूजर नेम्स, माइनस एफ मतलब अगर सक्सेस हो गया तो वहीं पे क्लोज कर दो, कौन सा वो जो वेबसाइट है उसका एड्रेस क्या है वो एड्रेस यहाँ पे डालो, और कौन सा पोर्ट में चल रहा है उस पोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दो, उसका कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, मोस्टली ये HTTP पोस्ट फॉर्म ही होता है, लॉग इन फॉर्म में मोस्टली यही होता है, ठीक है। अगर तुम कोई लॉगिन फॉर्म में अगर इस तरह से ट्राई करते हो तो उसका मॉड्यूल क्या होता है, HTTP पोस्ट फॉर्म ही होता है। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर तुमको वो कौन सा पेज, सबका अलग अलग पेज होता है, मेरे इस केस में ये वाला पेज का लॉगिन ये है, तुम अगर कोई दूसरा ट्राई करोगे तो उसका अलग हो सकता है, तुम देख लेना उसका वहाँ पे URL में एड्रेस बार में लिखा हुआ रहेगा, वही तुम वहाँ पे डाल देना, ठीक है। और तो मेरे केस में ये है लॉगिन wp-login.php, और उसके बाद कॉलन देने के बाद ये वाला सेक्शन लिखना पड़ता है, ठीक है, ये वाला सेक्शन लिखना पड़ता है इसका, ये सेक्शन सभी वेबसाइट के केस में थोड़ा अलग अलग हो भी सकता है, इसलिए ये बर्ब स्विच से मैंने निकाला है, और मैं बाद में दिखा दूंगा कि इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है इस वाला पार्ट को, ठीक है। फिर फिलहाल जान लो कि इसका मतलब क्या है, कि बर्ब स्विच को बोला गया है कि उस यूजर नेम एंड पासवर्ड लिस्ट से अलग अलग यूजर नेम उठा के यहाँ पे लाओ, यहाँ पे रख के उसको रिक्वेस्ट को छोड़ते रहो, और जब तक ये और इसका फाइनली क्या है कॉलम देके, और जब तक फॉर्म तुम्हारे पास वही घूम फिर के आ जाए तो तुम समझना कि ये सक्सेस नहीं हुआ, और अगर फॉर्म वो घूम फिर के ना आया तो ये तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड तुमने सही डाला, सक्सेस हो गया, और वही तुमको फाइनली यहाँ पे स्क्रीन में शो करा देगा। तो अभी हम लोग को तो पता है हमारा यूजर नेम पासवर्ड क्या है, क्या है, एडमिन एन 12345, ये तो हम लोग जस्ट समझने के लिए चीजों कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि बर्ब स्विच इसको कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये मैंने कमांड को लॉन्च कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंड ये मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो गया भी है, तो ये जल्दी हो गया क्योंकि मैंने छोटा सा लिस्ट लिया, ठीक है, और मैंने इजी यूजर नेम पासवर्ड रखा, मैंने भी तुमको लास्ट टाइम बोला था, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लॉग इन एडमिन एंड पासवर्ड क्या है 12345, मतलब जब उसने ट्राई किया एडमिन एंड 12345 के थ्रू उसको क्या दूसरा पेज मिला, तो मतलब उसको समझ में आ चुका कि यही उसका यूजर नेम पासवर्ड है, और ये उसने दिखा दिया। अभी ये इतना जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि ये जल्दी हो गया, पहला बात तो ये है एडमिन और 12345 पासवर्ड तो हैक करना इस मैटर ऑफ सेकंड, मैंने पहले भी तुम लोग को दिखाया था, ये सब चीजें तो हैक करना कोई बड़ा काम नहीं है, जब अगर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा देन इट इज नॉट इजी, इट विल टेक व्हाट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग जाएगा, तो कौन बैठा रहेगा हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एक सिस्टम में उसको हैक करने के लिए, अगर पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड के केस में मैंने इजी रखा दिखाने के लिए, समझाने के लिए, पहला बात तो ये हो गया। लेकिन और एक बात है, अभी तो देखो आज हम लोग को आजकल पता है जितना भी वेबसाइट मतलब जो भी तुम्हारा जैसे फेसबुक हो गया या तो इस तरह का इंस्टाग्राम हो गया जो भी है, इनमें अगर तुम मल्टीपल टाइम लॉगिन अटेम्प्ट करोगे तो क्या होता है कि नहीं, तुमको लॉक कर दिया जाएगा, तुम कोई भी बैंकिंग साइट में मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करोगे तो 3 बार 4 बार करने के बाद तुम्हारा क्या होता है, लॉक हो जाएगा कुछ समय के लिए, कुछ कुछ में तो परमानेंटली लॉक करता है, कुछ कुछ जगह में तुमको टेम्पोरली लॉक करता है, फिर तुमको ट्राई करना पड़ता है। तो ये जो है ये हर जगह पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, बस समझ में आ रहा है, अगर कोई वेबसाइट ऐसे है जहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं है, मतलब ये वाला फीचर नहीं है कि मल्टीपल लॉगिन पे ब्लॉक कर दिया जाए, वहां पे तुम इसको ट्राई कर सकते हो, वहां पे ये हो सकता है पॉसिबल। और एक बात है, आजकल बहुत जगह क्या हो गया, तुम्हारा जैसे जब हम लोग किसी साइट में लॉगिन करते हैं तो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है कि नहीं, जैसे कोड आता है तुम्हारे मोबाइल फोन में,
और कोड को भी तुमको टाइप करना पड़ता है। तो आजकल ये सिस्टम हो चुका है इन सभी को ओवरकम करने के लिए, ताकि तुम्हारा वेबसाइट को कोई आसानी से हैक ना कर पाए। तो उससे क्या होगा, उसमें भी ये ट्राई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा कोड आएगा, कोड में फिर कोड डालना पड़ता है, तब उसको लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। तो खैर जो भी हो, प्रोसेस यही है, और इस तरह से तुम ट्राई कर सकते हो। और ये हो गया तुम्हारा यूजिंग हाइड्रा टूल हाउ टू हैक योर वेबसाइट। ओके सर, पोर्ट नंबर तो नहीं, पोर्ट नंबर एक सेकंड में कोई ऐसा। हेलो,